हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोफोन की सेटिंग्स कैसे करें। अगर माइक्रोफोन लगा रखा है, साउंड नहीं आ रही, तो उसके प्रॉपर कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी चेक कर पाएं। इसके अलावा अगर आवाज में या साउंड में क्लियरिटी नहीं है, तो उसके लिए डिफरेंट सेटिंग्स को किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो होगा माइक्रोफोन का कनेक्शन चेक करना। सामने आपको स्क्रीन पे माइक्रोफोन का सिंबल दिखाई दे रहा है, तो माइक्रोफोन के जैक के ऊपर और जिस सॉकेट में पीसी या लैपटॉप के ऊपर माइक्रोफोन का केबल आपको लगाना है, वहां पर ये सिंबल जरूर बना होगा। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपने गलत ऑडियो पोर्ट पर तो माइक्रोफोन को कनेक्ट नहीं कर रखा। मैं आगे यहाँ पे आपको एक इमेज दिखा रहा हूं जिसमें क्लियरली ये शो हो रहा है कि जिस ऑडियो पोर्ट के आगे आपको माइक्रोफोन का सिंबल दिखाई दे रहा है, वहीं पर आपको माइक्रोफोन को कनेक्ट करना है। माइक्रोफोन का पोर्ट पीसी या लैपटॉप में जनरली पिंक कलर का होता है, तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि माइक्रोफोन आपको कहां पे कनेक्ट करना है। ये नेक्स्ट स्क्रीन में मैंने एक लैपटॉप दिखाया है जिसके अंदर माइक्रोफोन और स्पीकर के पोर्ट अलग अलग नहीं है, बल्कि एक कंबाइंड पोर्ट है। तो इस ऐसे लैपटॉप्स के अंदर अगर आप माइक्रोफोन को डायरेक्ट इस पोर्ट में लगाएंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग डिवाइस काम नहीं करेगी। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमको एक स्पेशल ऑडियो स्प्लिटर केबल यूज करनी पड़ेगी, जो मैंने यहां पर डायग्राम में दिखाई है। ये स्प्लिटर केबल सिंगल आउटपुट को दो आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है, जिसमें एक पर आप माइक्रोफोन लगा सकते हैं और एक पर स्पीकर लगा सकते हैं। तो अगर आपके लैपटॉप में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही और आप इस तरह के ऑडियो पोर्ट पर माइक्रोफोन लगा रहे हैं, तो आप इस केबल को जरूर खरीद लें जिससे आप रिकॉर्डिंग कर पाए। ज्यादातर लैपटॉप में तो इनबिल्ट माइक्रोफोन होते ही, अगर आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज नहीं कर रहे तो इनबिल्ट माइक्रोफोन पर आप आसानी से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। माइक्रोफोन के प्रॉपर कनेक्शन के बाद अब आपको यह चेक करना है कि माइक्रोफोन काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चेक करनी होंगी वो देखते हैं। तो हम सिस्टम ट्रे में जाते हैं और यहां पर आपको ये स्पीकर वाला सिंबल देखना है। स्पीकर का सिंबल मिले वहां पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक के बाद आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ओपन वॉल्यूम मिक्सर, प्लेबैक डिवाइसेस, रिकॉर्डिंग डिवाइस, साउंड्स एंड ट्रबल शूट साउंड प्रॉब्लम। तो हम रिकॉर्डिंग डिवाइस में जाएंगे क्योंकि माइक्रोफोन एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। अगर आपका माइक्रोफोन प्रॉपर काम कर रहा है तो रिकॉर्डिंग टैब के अंदर आपको माइक्रोफोन दिखाई देगा। राइट हैंड साइड में इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको ये ग्रीन कलर का जो बार कॉलम बना हुआ है, जैसे जैसे आप बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग एक ग्रीन कलर के रोज वेरी होते जाएंगे, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका माइक्रोफोन काम कर रहा है या नहीं। अब मान के चलते हैं कि आपने माइक्रोफोन सही कनेक्ट कर दिया है और वो काम भी कर रहा है, लेकिन साउंड प्रॉपर नहीं आ रही या आपकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हो रही। तो इसके लिए हमको क्या है, माइक्रोफोन की कुछ सेटिंग्स चेक करनी होगी। तो आप ये साउंड उसके अंदर रिकॉर्डिंग टैब के अंदर आप जिस माइक्रोफोन की सेटिंग्स को चेक करना है उस माइक्रोफोन को सिलेक्ट करें। अगर रिकॉर्डिंग टैब के अंदर आपको एक से ज्यादा माइक्रोफोन दिखाई दे रहे हैं तो एक माइक्रोफोन को आप एज डिफॉल्ट डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक माइक्रोफोन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें जब इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर नीचे जाके क्लिक करूंगा तो माइक्रोफोन का प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको कई टैब दिखाई दे रहे हैं, जनरल जिसके अंदर आप माइक्रोफोन का नाम दे सकते हैं और भी कई चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। लिसन, अगर आप माइक्रोफोन में जो बोल रहे हैं वो अपने लोकल डिवाइस के ऊपर मतलब लोकल स्पीकर के ऊपर सुनना चाहते हैं तो लिसन टू दिस डिवाइस, जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करेंगे तो आपको लोकल स्पीकर में आपकी खुद की आवाज सुनाई देने लग जाएगी, लेकिन इससे इको भी क्रिएट होगी। मैं एक बार टिक करके देखता हूं। यहाँ पे आप क्लिक करें, स्पीकर सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका स्पीकर है अप्लाई करें। अप्लाई कर दें। तो अगर आपको अपने माइक्रोफोन के थ्रू स्पीकर को भी चेक करना है तो दोनों चीजें इस चीज से चेक हो सकती हैं। आप माइक्रोफोन में बोलेंगे और स्पीकर में आपको आवाज सुनाई देगी, लेकिन इस मेथड का ड्रॉबैक ये है कि इससे इको भी जनरेट होती है। तो
लेवल स्टेप के अंदर आपको दो चीज दिखाई दे रही है, एक है माइक्रोफोन और एक है माइक्रोफोन बूस्ट। तो दोनों में अंतर क्या है और क्या करते हैं? माइक्रोफोन के सामने ये जो नंबर लिखा हुआ है 92, ये आपको ये बता रहा है कि माइक्रोफोन ने जो आउटपुट जनरेट किया उसका कितना परसेंटेज आप यहां पर यूज कर रहे हैं। मैं यहां पे 92 लिख रहा हूं, मींस 92% पावर जो माइक्रोफोन ने जनरेट की वो आप रिकॉर्डिंग के अंदर यूज कर रहे हैं। जबकि माइक्रोफोन बूस्ट क्या कर रहा है? माइक्रोफोन बूस्ट आपकी जो पावर है उसको कितना एम्पलीफाई करना है ये बताता है। तो दोनों ही चीज का उपयोग हम तब करते हैं जब हमको माइक्रोफोन का आउटपुट बढ़ाना होता है। अगर आप माइक्रोफोन में यहाँ पे 100 लिखते हैं तो माइक्रोफोन का 100% आउटपुट आप यूज कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी साउंड क्वालिटी और बेटर हो जाती है। लेकिन अगर आपके माइक्रोफोन की क्वालिटी खराब है और उसमें नॉइस भी आ रही है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि माइक्रोफोन का लेवल कम करते हैं जिससे कि नॉइस कम आए, और उसके बाद हम माइक्रोफोन बूस्ट को यूज करते हैं। तो आपको ये एडजस्टमेंट करके देखना पड़ेगा कि किस एडजस्टमेंट पर आपको बेटर क्वालिटी मिल रही है। एक पॉइंट जो हमेशा याद रखने का है वो ये कि माइक्रोफोन की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। अगर आपका माइक्रोफोन खराब है तो विंडोज सेटिंग से आपकी वॉइस क्वालिटी ज्यादा इंप्रूव नहीं होगी। तो माइक्रोफोन हमेशा एक बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट टैब है इनहेंसमेंट। यहां पर आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, नॉइस सुप्रेशन और एकोस्टिक इको कैंसिलेशन। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप बैकग्राउंड नॉइस को काफी कम कर सकते हैं। अगर आपको सारे साउंड इफेक्ट को डिसेबल करना है तो ऊपर जाके आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। इमीडिएट मोड मीन्स आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सेटिंग आप अप्लाई कर रहे हैं वो इमीडिएट एप्लीकेबल हो जाएगी। एडवांस, इस टैब के अंदर आप अपनी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कई ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आप इसमें से जो भी ऑप्शन में रिकॉर्डिंग करना चाहें वो ऑप्शन को सिलेक्ट करें और ओके कर दें। चूंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कर रहा हूं और माइक्रोफोन को यूज कर रहा हूं इसलिए मैं अभी ओके नहीं कर सकता, लेकिन आप जब माइक्रोफोन का यूज नहीं कर रहे हो तो आप ओके करके अपनी रिकॉर्डिंग क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसको बंद करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।